हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्रिकेट के 14 ऐसे रिकॉर्ड बताने वाले हैं जो कभी भी टूटने की संभावना है ही नहीं, जिनमें 5 भारतीय नाम भी शामिल हैं। वैसे तो क्रिकेट की दुनिया में कई महान खिलाड़ी हुए हैं, क्रिकेट के कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड हैं जिनको तोड़ पाना संभव नहीं बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी इनको तोड़ना आसान भी नहीं है। तो आज हम क्रिकेट के कुछ ऐसे रिकॉर्ड बताने वाले हैं जिनको अब तोड़ पाना आसान नहीं है। क्रिकेट के इन रिकॉर्ड्स को बनाने वाले खिलाड़ी महान खिलाड़ी रहे हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं और कुछ संन्यास ले चुके हैं। तो आइए जानते हैं क्रिकेट के वो रिकॉर्ड्स जिनको तोड़ पाना आसान नहीं है। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है डोनाल्ड ब्रैडमैन। ये क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी रहे हैं, आज भी क्रिकेट के इतिहास में उनके ऊपरी पायदान में जगह मिली हुई है। ब्रैडमैन ने टेस्ट क्रिकेट में 99.94 की औसत से रन बनाए हुए हैं। यह औसत भी अपने आप में एक मुश्किल औसत है, जिसको बरकरार रख पाना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है। साथ ही ब्रैडमैन इंग्लैंड के खिलाफ 1937 से 1938 के अंदर 6 लगातार शतक लगाए थे। इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना आसान नहीं रहेगा। नंबर 2 की लिस्ट पर आते हैं मुथैया मुरलीधरन। मुरलीधरन का भी एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको विश्व क्रिकेट का सबसे मुश्किल रिकॉर्ड बोला जा सकता है। एक टेस्ट मैच में 10 विकेट या उससे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड मुथैया मुरलीधरन के नाम 4 बार रहा है। लगातार 4 टेस्ट मैच में उन्होंने 10 या फिर उससे अधिक विकेट एक टेस्ट मैच में लिया है। इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना काफी मुश्किल है। तो हमारी लिस्ट पर नंबर 3 पर आते हैं लोकेश राहुल। तो लोकेश राहुल अभी भी टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। लोकेश राहुल दुनिया के इकलौते एक ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में और पहले वनडे मैच में ओपनिंग करते हुए शतक लगाए हैं। टीम इंडिया का यह भी रिकॉर्ड कोई बल्लेबाज आज तक तोड़ नहीं पाया है और आगे भी इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना आसान नहीं लगता है। लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं अजिंक्य रहाणे। रहाणे एक ऐसे इकलौते खिलाड़ी रहे हैं जो कि विकेट कीपर तो नहीं रहे, लेकिन एक टेस्ट मैच में उन्होंने 8 कैच लिए हैं। यह टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ हुआ था। अपने आप में यह एक अनोखा रिकॉर्ड है, शायद इसे भी तोड़ पाना नामुमकिन सा है। तो लिस्ट के नंबर 5 पर आते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो कि टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान भी रहे हैं। इन्होंने शुरू के 3 टेस्ट मैच में लगातार 3 शतक लगाए हैं। इस रिकॉर्ड को भी तोड़ पाना आज तक आसान नहीं है। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं विजय हजारे। तो हजारे जी हमारे इंडिया के महान क्रिकेटर रहे हैं। दुनिया के यह एक ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 2 दिन लगातार 2 शतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने यह कारनामा किया था। नंबर 7 पर है ग्राहम मैकेंजी। आज के युवा क्रिकेट प्रेमी इस खिलाड़ी का नाम बहुत अधिक तो नहीं जानते होंगे, लेकिन यह एक ऐसे इकलौते गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने की अपने करियर में 4 बार हिट विकेट करते हुए खिलाड़ियों को आउट किया है। लिस्ट में नंबर 8 पर आते हैं जैक हॉब्स। जब क्रिकेट के दिन ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में हुआ करते थे, उस समय मैच देखने का मजा ही कुछ और था। उस समय फर्स्ट क्लास करियर में जैक के नाम 199 शतक हैं, मतलब किसी भी खिलाड़ी के लिए शतक लगाना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन्होंने तो 199 शतक लगा दी। इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना आसान नहीं रहने वाला है। लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं बापू नाडकर्णी, जो कि क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े सबसे कंजूस बॉलर बोला जाता है। इन्होंने एक ही टेस्ट मैच में 21 लगातार मेड इन ओवर किए थे, महाकंजूस। तो लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं रिकी पोंटिंग। जब रिकी जी अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो उन्होंने उसी टेस्ट मैच की 2 पारियों में शतक लगाया था। आज के बल्लेबाजों के लिए 100वां टेस्ट मैच खेल पाना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। तो नंबर 11 की लिस्ट में आते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, इन्हें क्रिकेट का गॉड भी कहा जाता है। तो हमारे क्रिकेट ऑफ गॉड ने 100 कैच 100 विकेट 15,000 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे हैं। लिस्ट के नंबर 12 पर आते हैं नरेंद्र हिरवानी। इन्होंने टेस्ट मैच के अंदर सबसे लंबा स्पैम किया है, जहां इन्होंने 354 बॉल लगातार की थी। लिस्ट के 14 नंबर पर हमारी टीम इंडिया के कप्तान जी आते हैं, विराट कोहली। जब कप्तान बने थे, तो उन्होंने कप्तान बनने के बाद लगातार 3 टेस्ट मैच में 3 शतक लगाए। इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना भी काफी मुश्किल है, जो कि अभी तक 8 बार दूसरे खिलाड़ियों के साथ मिलकर 200 रनों की साझेदारी की है। रिकॉर्ड के इस लिस्ट में कुछ रिकॉर्ड निश्चित रूप से छूटे हुए होंगे। आप कमेंट करके उन रिकॉर्ड्स को हमें बता सकते हैं। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, क्योंकि ये नॉलेज सभी तक जाना चाहिए। और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉच।